आज हम बात करते हैं कि लड़की जैसी चाल मेरी है, ये विचारों का ऑब्सेशन। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का 29 साल का मेरे पास में आया, अप्रॉक्सीमेटली 29 साल का होगा, और उसका यह था कि मेरी चाल चलन जो है, मैं जो चलता हूँ वो लड़की जैसे चलता हूँ, और वो मुझे बदलने का। तो मैंने बोला भाई ठीक है, बैठिए। उसको पूछा, भाई लड़की जैसे चलता मतलब क्या है, तेरे को किसने कुछ बोला क्या कि तू लड़की जैसे चलता है करके? बोले नहीं, मेरे को किसने बोला नहीं ऐसा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं लड़की जैसा चलता हूँ और मैं कॉपी करता हूँ लड़की जैसी चाल चलने की। बोले इसका मतलब क्या हो गया, और जरा विस्तृत से बताओ। तो उसने बताया कि बचपन से मेरी ये आदत है कि मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मैं कॉपी करता हूँ उसकी। जैसा कोई खांसता है तो मैं उसकी कॉपी करूँगा, कोई कुछ तरीके से बात करता है तो मैं उसकी कॉपी करूँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि डुप्लीकेट वैसा का वैसे ही कॉपी हो जाएंगी। कोई चलता है तो वैसी कॉपी करूँगा, कोई चिल्लाता है तो वैसी कॉपी करूँगा, कोई पढ़ाई करता है तो वैसी पढ़ाई करूँगा। इस तरह से कॉपी करने की आदत। तो मुझे एक दिन विचार मन में आया कि एक लड़की देखी हमारे कॉलेज की, और मुझे ऐसा लगा कि इसकी कॉपी मैंने करना है। चलती है तो बहुत ही वो सेक्सी चल रही है, तो उसकी मैंने कॉपी करना चाहिए। तो मैंने वो चल के देखा और मुझे लग रहा है कि मैं वैसे ही चलता हूँ। मतलब ये, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चलता है, आप वैसा चल रहे करके, किसने आपको बोला क्या? बोले बोला नहीं। फिर आपको कैसा लग रहा? नहीं बोले, मेरे को दो तीन लोगों ने बोला। और दो तीन लोगों ने क्या बोला? बोले हाँ, उन्होंने बोला कि तू लड़के जैसे चलता है। मतलब उन्होंने आके खुद बोला कि तुमने पूछा? नहीं, बोले मैंने उनको पूछा कि मेरी चाल लड़की जैसी है क्या, तो उन्होंने हाँ बोला। मतलब जब आप ऐसा कुछ पूछेंगे तो नेचुरली कोई भी हाँ बोलेगा। आपने सवाल ही ऐसा पूछा कि जिसका जवाब हाँ होगा। मतलब ये, आप घर में रहते हैं, रिलेटिव्स के साथ में रहते हैं, दोस्तों के साथ में रहते हैं, तो घरवाल लोगों ने किसने ऐसा आपको खुद ने बोला क्या कि भाई तेरी चाल जो है वो लड़की जैसी? बोले नहीं, किसने भी बोला नहीं। मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है, ये कहाँ से लाया? तो बोले मेरे को विचार आता है। मतलब हाँ, ये बराबर है, आपको ये बार बार विचार आ रहा है कि मेरी चाल जो है वो लड़की जैसी है। आप ऐसा चलते नहीं हैं, चलते रहते तो फिर आपको लोग टोकते थे कि भाई तू ऐसा क्यों चल रहा है करके। बोले हाँ, अभी मेरे को समझ में आया क्या है। तो लड़की जैसा जैसा मैं चलता हूँ, बोले या लड़की जैसी चलती है वैसा मैं चलता हूँ, ऐसा उसको जब चलता है तो विचार आते हैं। ये अलग किस्म की बीमारी हो गई। बोले ठीक है, अभी ये तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव की तरफ जा रहा है, और उसका इलाज हम उस तरह से करेंगे। बोले ठीक है। तो उसको मैंने कुछ दवाई दिया कि जो दवाई बार बार विचार कम करने की, ऐसे सारा है जैसे दवाई है, क्लोमिप्रेमिन है, वो दवाई से बार बार के विचार कम हो जाते हैं। और उसको फिर मैंने रियलिटी क्या है उसके बारे में काउंसलिंग किया। मतलब रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें क्या करते हैं कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, तुमको तुम्हारे दिमाग में जो लगता है वैसा नहीं, बाहर क्या हो रहा है, तुमको जो लग रहा है वो सही है क्या, बाहर जो हो रहा है वो उससे मेल खाता है कि नहीं है, कि बाहर जो हो रहा है वो अलग है, तुमको जो लग रहा है अलग है, वास्तविकता नहीं है। तो वो उसको मैंने काउंसलिंग किया, उसको सजेशंस देने के लिए मैंने बताया कि भाई सजेशंस कैसे देना है खुद को, आत्म सुझाव। तो वो उसको सिखाया, दवाई देर उसको बोला कि भाई आप एक हफ्ते भर के बाद में फिर से आ। दो तीन उसको सेशन करने पड़े, और दो तीन सेशन के बाद में बोले कि नहीं, अभी मैं एकदम ठीक हो गया, विचार आते भी नहीं है, मैं चलता भी नहीं वैसा, और मेरा एकदम लाइफ नॉर्मल हो गया। तो ये चलना, लड़की जैसी चलने की OCD, मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स, ये अलग किस्म की बीमारी जो मुझे आई, मैंने बोला आपसे शेयर करूंगा। ये आप वीडियो आपको ऐसा लगा अच्छा है तो जरूर शेयर करो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसे बार बार के विचार आते रहते हैं, और वो विचारों का इलाज हो सकता है, उनको मालूम ही नहीं है। तो ये इलाज करने के लिए लोगों को उसका फायदा हो जाएगा। आप जरूर वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।